भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने खास और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार पार्टी लाइन से अलग अपनी बात रखते रहते हैं। इसी तरह इस बार भी पार्टी के फैसले से अलग जनता की भलाई को लेकर नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार के एक फैसले पर सवाल उठाया है। दरअसल नितिन गडकरी ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पास किए गए बजट को लेकर सवाल उठाया है। गडकरी ने सवाल किया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर जीएसटी कैसे लगाया जा सकता है। वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी में गडकरी ने कहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना मतलब जीवन के अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा है। नितिन गडकरी के इस लेटर से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। वहीं दूसरी ओर जनता के दिलों में नितिन गडकरी को लेकर और भी सम्मान उजागर हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर भर भर कर जीएसटी लगा रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के नेता ही इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर जीएसटी ना लगाया जाए ये आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री नितिन गडकरी के इस सुझाव पर अमल करेंगी या नहीं।